रात के 1:30 बजे से 3:30 बजे मुंबई में 12 जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। 29 मंजिला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत एकदम से हिल गई, चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। धमाके में होटल, बैंक, कार्यालय, इमारत वगैरह को लक्ष्य बनाया गया था ताकि अधिक से अधिक लोग हताहत हो सके और भारत को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक क्षति पहुंचाई जा सके। 257 लोगों ने मौत को गले लगा लिया और 700 से भी ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। ये कहानी है 1993 की। कुछ समय बाद जब खून में लथपथ मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट से उठा धुआं मिटने लगा, तब एक ऐसा नाम सामने आया जिसे आज भी मुंबई में रहने वाला हर इंसान तबाही के बराबर मानता है, दाऊद इब्राहिम कास्कर। मुंबई पुलिस में हवालदार की नौकरी करके इब्राहिम कास्कर अपनी पत्नी अमीना बी और 12 बच्चों का ख्याल रखा करते थे। उन 12 बच्चों में से एक आने वाले कुछ सालों में उसी खाकी वर्दी पहनने वाले पुलिस ऑफिसर्स को ललकारने का काम करने वाला था, जैसे उसके पिता पहना करते थे। इस कहानी की शुरुआत तो रत्नागिरी के एक छोटे से गांव में हुई, जब 26 दिसंबर 1955 को इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में से एक का जन्म इब्राहिम कास्कर के घर में हुआ। दाऊद ने अपना बचपन सेंट्रल बॉम्बे के डोंगरी इलाके में गुजारा। उसने अहमद सेलर हाई स्कूल में पढ़ाई लिखाई की शुरुआत तो की, लेकिन एक हेड कांस्टेबल की सैलरी में घर खर्चा चलाना ही इतना मुश्किल था तो 12 बच्चों को पढ़ाना लिखाना तो सोचो कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। स्कूल छोड़कर दाऊद ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसकी वजह से हजारों जिंदगियां बिगड़ने वाली थी। कच्ची उम्र में छोटे मोटे क्राइम्स करके उसने हल्की दहशत फैलाना शुरू कर दिया था, लेकिन इस चिंगारी को आग में बदलने का काम किया बशु दादा ने। मुंबई सिर्फ भारत का फाइनेंशियल कैपिटल नहीं, एक समय में ये शहर देश के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का भी कैपिटल हुआ करता था। बशु दादा ऐसे ही एक लोकल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट को चलाता था। 1970s में दाऊद ने बशु दादा के लिए काम करना शुरू कर दिया। इनके लोकल क्राइम्स की दुनिया में सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि एक दिन बशु दादा दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर का अपमान करके मुंबई के सबसे पहले रिकॉर्डेड गैंग वॉर का कारण बन गए। दाऊद ने अपने भाई शबीर इब्राहिम कास्कर और कुछ करीबी दोस्तों के साथ हाथ में खाली सोडा बॉटल्स लेकर बशु दादा को रास्ते से हटाने का फैसला लिया। बशु दादा के बहते खून ने खालिद पहलवान के मन को ठंडक पहुंचाई। खालिद पहलवान 6 फीट 2 इंच का एक हट्टा कट्टा डॉन था जिसका मुकाबला करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इफ ही हैड टू, ही कुड क्रश एनीवन्स बोन विथ हिज स्ट्रेंथ बिफोर दे कुड अटैक हिम। खालिद पहलवान दाऊद के क्रिमिनल एक्टिविटीज से बंधे किले का सबसे भारी और ताकतवर दरवाजा था, जिसे तोड़कर दाऊद तक पहुंचना यानी मौत को न्योता देने के बराबर था। अपने बड़े भाई शबीर कास्कर और खालिद खान को साथ लेकर दाऊद ने मुंबई के आज तक के सबसे इविल और इलीगल बिजनेस की शुरुआत की, द डी कंपनी। डी कंपनी गोल्ड स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग के साथ शुरू हुई डी कंपनी आने वाले 20 सालों में इंटरनेशनली दहशत फैलाकर इंडिया के सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक से जुड़ने वाली थी। 1980s में डी कंपनी पठान गैंग के सामने एक सबसे बड़ी रुकावट बनी खड़ी थी। पठान गैंग अफगानिस्तान से मुंबई तक का सफर तय करके इस गैंग को चलाने वाले करीम लाला ने साउथ मुंबई के डोंगरी, नागपाड़ा, भिंडी बाजार और मोहम्मद अली रोड जैसे इलाकों में अपना खौफ फैला रखा था। सट्टा, दारू, सुपारी, ड्रग्स जैसे गैर कानूनी एक्टिविटीज़ में पठान गैंग का नाम सबसे टॉप पर हुआ करता था। बट द सन वॉज अबाउट टू सेट ऑन द पठान गैंग। मुंबई के हर गली में सिर्फ एक ही नाम गूंजना शुरू हो चुका था, दैट वॉज डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम। एंड फॉर द पठान गैंग दिस मेंट लूजिंग देयर डोमिनेंस ओवर द कैपिटल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मुंबई। पठान गैंग को ये बात तो समझ आ गई थी कि अगर मुंबई को अपने हाथों से निकलने नहीं देना तो सबसे पहले दाऊद और उसके भाई को ठोकना होगा, और इस काम को अंजाम देने के लिए पठान गैंग ने बॉम्बे के एक और अंडरवर्ल्ड डॉन की मदद ली, मानिया सुरवे। कभी किसी को कहानी बताते समय ऐसा कहते सुना है कि जंगल में दो शेर रहा करते थे? नहीं ना, किसी भी कहानी की शुरुआत हमेशा जंगल में एक शेर से ही होती है, एक शेर। बिल्कुल वैसे ही अंडरवर्ल्ड पर राज करने का सपना हर डॉन देखा करता था। दाऊद और शब्बीर को मार कर ये सपना पूरा किया जा सकता था और आने वाले कुछ दिनों में दाऊद इब्राहिम की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 12 फरवरी 1981 सिद्धिविनायक मंदिर के ऑपोजिट पेट्रोल पंप पर 5 गनशॉट्स सुनाई दिए।
ये कोई मामूली गनशॉट्स नहीं थे, बल्कि आने वाले खून खराबे से भरे गैंग वॉर के बारे में मुंबई अंडरवर्ल्ड को वार्न करने वाला सायरन था। शब्बीर वॉज शॉट 5 times पॉइंट ब्लैक बाय 4 men। अपने भाई के खून का बदला लेने के लिए दाऊद ने करीम लाला के पठान गैंग के हर आदमी को चुन चुन कर मारने का फैसला लिया। उन 4 gangsters में से 2, अमीरजादा नवाब खान और समद खान को मारने के बाद दाऊद और डी कंपनी से पूरा अंडरवर्ल्ड डरने लगा। इस समय हाजी मस्तान, जो अंडरवर्ल्ड पर राज करने के लिए जाने जाते थे, उन्होंने अपना नसीब पॉलिटिक्स में आजमाने का तय कर लिया था। And since the Pathan gang was already drenched in fear of being killed by Dawood and his men, it was obvious who the new unopposed king of Bombay Mafia was going to be. एक के बाद एक बेरहमी से लाशें बिछाते हुए दाऊद ने पूरे अंडरवर्ल्ड को बता दिया कि वो मुंबई पर राज करने के लिए क्या क्या कर सकता है। गैंग वॉर के बढ़ते वायलेंस मुंबई पुलिस के एफिशिएंसी पर सवाल उठा रहा था। मैन इन खाकी हैड टू फाइट फायर विथ फायर, और फॉर दैट मैटर द मैन इन खाकी हैड टू फाइट गन वायलेंस विथ गन वायलेंस। शब्बीर खान के खूनी समद खान को मारने के बाद दाऊद पर देश छोड़ने की नौबत आई, क्योंकि मुंबई पुलिस हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी थी। जिसे खून खराबे के लिए सलाखों के पीछे जिंदगी काटनी चाहिए थी, वो इंडिया से दूर दुबई में व्हाइट हाउस नाम के बंगले में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। इन 1986 दाऊद डिड रन अवे फ्रॉम इंडिया, बट ही स्टिल हैड द कंट्री बाय द स्कर्फ ऑफ इट्स नेक। दाऊद के गैर मौजूदगी में डी कंपनी का दहशत मुंबई में फैलाने की जिम्मेदारी छोटा राजन ने अपने सर पर ले ली थी। देखते ही देखते डी कंपनी में 5,000 से भी ज्यादा मेंबर्स काम करने लग गए, और अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज के जोर पर 10 करोड़ से ज्यादा एनुअल इनकम लाने लग गए। लेकिन कैसे? मामूली चोरी चकारी और लोकल स्मगलिंग से शुरू हुई डी कंपनी आखिर पूरे साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी और ताकतवर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट कैसे बन गई? भाग कर दुबई में अपना घर बसाने के बाद दाऊद ने वहां के इन्फ्लुएंशियल लोकल शेख्स और गल्फ एमिरेट्स के रॉयल फैमिली के साथ अच्छे संबंध बना लिए थे। आर्म्स और बाकी इलीगल गुड्स के स्मगलिंग के साथ साथ उसने इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग में भी अपना नसीब आजमाया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के ओपियम फील्ड से पास होने की वजह से उसे अपना बेस बनाकर वेस्टर्न यूरोप, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया में दाऊद ने हीरोइन की ट्रैफिकिंग शुरू कर दी थी। इसके अलावा कई सारी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज जैसे नकली पैसे छापना, साउथ अफ्रीकन और साउथ एशियन कंट्रीज से इलीगल आइटम्स की स्मगलिंग करना, इन सारे इलीगल स्मगलिंग को ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना, इस सब का ख्याल डी कंपनी रखा करती थी। लेकिन ये तो बहुत दूर की बात है, जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में एक आम आदमी बेखबर रहता है। पर दाऊद ने चालाकी से आम आदमी के जिंदगी में भी घुसपैठ करने की कोशिश की। इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर एक आम आदमी अपने धर्म और भगवान के बाद क्रिकेट और बॉलीवुड को अपना सब कुछ मानता है। दाऊद ने इन दोनों फील्ड्स में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। डायरेक्टर्स को अपने फिल्मों से हो रहा प्रॉफिट डी कंपनी के साथ बांटना पड़ता था। ऐसा ना करने पर अंजाम बुरा होगा, ऐसी धमकी उन्हें दी जाती थी। दाऊद दुबई में कई बड़ी बड़ी पार्टीज ऑर्गेनाइज किया करता, जिसमें बॉलीवुड के कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हाजिरी दिया करते थे। फिल्म प्रोड्यूसर जावेद रिया सिद्दीकी से लेकर टी सीरीज के फाउंडर और म्यूजिक प्रोड्यूसर गुलशन कुमार के मौत का कारण दाऊद इब्राहिम ही था। कौन सी फिल्म बनेगी, कौन सा एक्टर उस फिल्म में काम करेगा, कौन सी एक्ट्रेस उस फिल्म में नाचेगी, ऐसा कहा जाता है कि आज भी ये सब डी कंपनी की मर्जी से ही होता है। ये बात खुद शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार ने एडमिट की है कि उन्होंने अबू सलीम से थ्रेट कॉल्स से लेकर छोटा शकील के कहने पर फिल्म की कहानी सुनने जैसे इंसिडेंट्स का भी सामना किया है। एंड वी ऑल नो अबाउट संजय दत्त एंड हिज अरेस्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ Terrorist and Disruptive Activities Act in the year 1993, right after the city of Mumbai was hit by the most dangerous terrorist attack ever. 1993 में हुए serial bomb blast हादसा कम और नतीजा ज़्यादा थे। नतीजा 1991 और 1992 में हुए religious riots का, जिसने दाऊद को एक gangster से मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बना दिया। 80s में दाऊद दुबई में रहकर भी टी कंपनी को अच्छे से चला रहा था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बसे बाबरी मस्जिद को विश्व हिंदू परिषद ने प्रोटेस्ट के नाम पर तोड़ दिया। इस इंसिडेंट के बाद पूरा देश रिलीजियस हेटरेट की आग में जलकर राख होने वाला था। ये बात डी कंपनी तक भी पहुंची और उनके पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और लश्कर-ए-तैयबा जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ रिश्ता गहरा होने लग गया।
देश भर में हिंदू मुसलमान एक दूसरे की जान लेने पर तुले थे। इसी बीच 12 मार्च 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 बॉम्ब्स एक्सप्लोड हुए। फिशरमैन्स कॉलोनी इन माहिम कॉजवे, जवेरी बाजार फोर्ट, प्लाजा सिनेमा दादर, सेंचुरी बाजार, काठा बाजार, होटल सी रॉक, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयर इंडिया बिल्डिंग, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बिल्डिंग फोर्ट, होटल जुहू सेंटर, वर्ली पासपोर्ट ऑफिस, इन 12 लोकेशंस पर जो हुआ उसके लिए मुंबई बिल्कुल भी तैयार नहीं था और ना ही इस हादसे में घायल हुए हजारों लोग तैयार थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट किसी और ने नहीं बल्कि दाऊद के डी कंपनी ने फाइनेंस किए थे। जिस देश में उसका जन्म हुआ था उसी देश को नफरत और पैसों के खातिर दाऊद ने तबाही के हाथों सौंप दिया। जब छोटा राजन के कानों में ये खबर पड़ी कि इन बॉम्बिंग्स में दाऊद का हाथ है, तब उसने डी कंपनी के दूसरे हिंदू मेंबर्स के साथ मिलकर एक अलग रास्ता चुना एंड ही फॉर्म्ड अ हिंदू माफिया गैंग। दीज वर हिज वर्ड्स कंडक्टेड फ्रॉम एन इंटरव्यू इन 1994 बाय इंडिया टुडे। आई एम बैड बट नॉट एज बैड एज द गवर्नमेंट हैज मेड मी आउट टू बी। I am not an angel nor an avatar. Even then, I repeat that I am not involved in this case. ऐसी स्टेटमेंट के बाद सबूत के साथ ये सामने आया कि दाऊद ने ISI और लश्कर ए तैयबा को टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए फंड किया था। इंडिया में लौट आना और दुबई में छुपे रहने का ऑप्शन ना होने की वजह से दाऊद ने पाकिस्तान के शहर कराची को अपना बेस बना लिया। कुछ इंडियन और रशियन इंटेलिजेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से 26/11 को 10 टेररिस्ट को समंदर के जरिए साउथ मुंबई पहुंचाने का काम भी दाऊद इब्राहिम ने ही किया था। पॉलिटिशियंस जब इलेक्शन के स्पीच को तैयार कर रहे होते हैं तब उसमें एक लाइन ऐड करना कभी नहीं भूलते। हम पाकिस्तान में बैठे देशद्रोही और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को वापस इंडिया जरूर लाएंगे। लेकिन आज तक दाऊद कभी पकड़ा नहीं गया। लो प्रोफाइल रख कर अलग अलग पासपोर्ट्स और आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके आज भी वो पाकिस्तान के नो ट्रेसपास जोन में छुपा है, जहां सैकड़ों पाकिस्तानी रेंजर्स बंदूक के लिए खड़े होते हैं ताकि कोई भी उस तक पहुंच ना सके जिसने हजारों मासूमों की जान ली है। ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर होने के बाद भी पाकिस्तान ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि दाऊद उन्हीं के पास है, नॉट एज अ टेररिस्ट और अ गैंगस्टर बट अ वाइटल इंटेलिजेंस सोर्स हु कीप्स देम वन स्टेप अहेड ऑफ इंडिया एट ऑल टाइम्स। सबसे बुरी बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी टी कंपनी का ग्राउंड जीरो यानी कि इंडिया उनके बिजनेस का सेंट्रल पॉइंट बना रहा है। आज भी क्रिकेट से लेकर बॉलीवुड में दाऊद इब्राहिम के नाम का सबको खौफ है। आज भी 1993 और 2008 से घायल इंडियन सिटीजन्स ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अपने ही देश को तबाही के हाथों सौंपने वाला देशद्रोही दाऊद इब्राहिम भारत लौट आएगा और किए हुए कर्म की सजा भुगतेगा। खाली सोडा बॉटल और नुकीली छुरी से शुरू हुई स्ट्रीट फाइटिंग गैंग का लीडर आज साउथ एशिया का सबसे डेंजरस टेररिस्ट बन चुका है और उसे आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। दाऊद इब्राहिम द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल एंड अ ग्लोबल टेररिस्ट इज स्टिल हाइडिंग, और ये फैक्ट इंडिया का ही नहीं पूरी दुनिया की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है।